गोविंदा जी आप क्या कुत्ता हुआ? गोविंदा जी और रुको रखना नहीं, रुको रखना नहीं, एक फोटो खींचते खिला दो एक नंबर बनेगा हीरो नंबर वन हीरो नंबर अरे बोलो भाई अकुल कितने हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना जी ऊपर देखो बहुत माँ बाप के आशीर्वाद से और आप जनता जनार्दन की कृपा से ऊपर वाले ने जो ये जगह दी है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सदैव जो है ये कृपा ये रहे और कहीं कमी या मेरी अपनी तरफ से मुझ में कहीं ऐसा रहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है और जो प्रेम मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं जो वयस्कर हैं जिनका सदैव मुझ पे आशीर्वाद रहा है उन सभी से मैं प्रणाम करता हूँ चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ और जो बच्चे हैं उन सभी के मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रार्थना है कि वो स्वस्थ मस्त व्यस्त और कभी किसी प्रकार की तकलीफ ना आए ऐसे रहे थैंक यू सो मच गुड 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 आए मतलब सुबह पूजा प्रार्थना से शुरू हुआ दुआएं पढ़ाई गई और वो मम्मी के समय से है वैसे ही और आप लोगों ने जो आज यहाँ पे आए और आप लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
थैंक्स टू प्रेस, थैंक यू सो मच. उस तरफ हम तवज्जो देंगे तो जो अब हम काम कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम सोचने में पड़ जाएंगे. मेरा ऐसा सोचना है कि वर्क करते रहें. अब रंगीला राजा रिलीज़ हो रही है 11 जनवरी और प्रहलाद जी के साथ आज से 29-30 वर्ष पहले मैंने पिक्चर की थी और इतने वर्षानुवर्ष बाद हम फिर इकट्ठा हुए और ऐसा कभी होता नहीं है कि वही हीरो वही प्रोड्यूसर और 29-30 वर्ष. और मैंने सोचा था कि वो शायद साथ में अलग डिफरेंट हीरोज ले लेंगे और दो तीन हीरो के पिक्चर बनाएंगे, परंतु ये उन्होंने सोचा कि हम गोविंदा के साथ वैसे ही पहले ही जैसे काम किया करते थे पुनः वही गोविंदा नज़र आएगा. तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रहलाद जी का और जो साथ में स्टार कास्ट है उन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है साथ में. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिल्म बहुत पसंद करेंगे. जी भैया, अंकों की गणित को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 80 के दशक में जो है आपने कोई भी और अंक नहीं चुना, सिर्फ एक ही अंक है, वो है हीरो नंबर वन या फिर गुली नंबर वन, नंबर वन ही रहे आप. तो इस अंकों की गणित को किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा नंबर में विश्वास तो नहीं, परंतु जो ऊपर वाले ने मुझे दिया उसका मैं सदैव सम्मान करता आया हूँ और हार्डवर्क किया है. मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी तरफ से प्लानिंग नहीं हुई थी कि मैं हीरो नंबर वन फिल्म करूं या जोड़ी नंबर वन करूं या आधा दर्जन पिक्चर जो है वो नंबर वन टाइटल पे हो. ये ऊपर वाले ने मुझसे करवाया और ये 14 वर्ष का जो ये सुपरहिट टाइम रहा, ये उसका प्यार जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा है. ये और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का. थैंक यू सो मच. आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बार बार दिन ही आए. क्षमा चाहता हूँ, ये फोन उठाना पड़ेगा प्लीज़. आपके आदरणीय शर्मा ही है साथ में. हेलो, सुनीता से कहिएगा प्लीज़. उनके पास है उनका कॉन्टैक्ट, क्षमा चाहता हूँ सर. तो ये बिल्कुल मतलब आपकी जो युवावस्था है वो आपके से मतलब पीछे जा रही है, उम्र बढ़ती है और लोगों का वो पर आपका युवा और जो आपकी. हाँ तो उम्र डिस्कस नहीं करते हैं, अच्छा है. हाँ मैं तो कहा करता हूँ कि योग प्राणायाम करें, ज़्यादातर वेज जो है वो खाएं और योग प्राणायाम में रहें तो जो पर्सनालिटी और आपके जो जीवन है वो सुखद रहा करता है. चेहरे की दमक जो चमक है वो उसी के प्राणायाम से है, योग से. अभी तक का सबसे बड़ा गिफ्ट आपको क्या मिला होगा, कुछ याद आता है आपको? मुझे ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो कहते हैं कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है, वो गिफ्ट तब मिल गया जिस वक्त मैं पैदा हुआ. मुझे ऐसी माँ मिल गई और ऐसा घर परिवार मिल गया कि मैं वहाँ से लड़ी लगाऊँ तो ऊपर वाला जो ऊपर वाले ने मुझे दिया मैं वो धन्यवाद ही देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे अच्छे जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप सब अच्छे ही होते हैं, परंतु क्योंकि दोनों फिल्मों में काम करते थे, हीरो हीरोइन थे और मम्मी ने जोग धारण कर लिया था तो उनकी सोच अलग हो गई थी, तो उससे मुझे बहुत बहुत कुछ मिला. और डैडी एकदम हीरो छाप तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला. वो मुझे ऐसा लगता है कि सब हर चीज़ आदरणीय महबूब खान जी के साथ उन्होंने फिल्म की थी
तो उनकी फिल्मों के वजह से उनकी जो थॉट प्रोसेस थी और सोच थी उनकी वो वर्क की, तो बहुत कुछ ऐसा लगा जैसे कि तैयार किया गया, और तैयारी तो की जाती है और हमें ऐसा लग रहा था कि ये हो रहा है, परंतु वो करवाया जा रहा होता है ऐसा मुझे लगा, और मैं उसका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, इट वॉज सो नाइस, मुझे बहुत प्रेम मिला, और जो यंगस्टर्स हैं बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, वो लोग आगे निकले और ऐसे ही हार्डवर्क करते रहें, वो इस वक्त पहले जैसा टाइम पहले जैसा नहीं रहा है, वो वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो उन पे ये लाजमी है कि वो लेवल में हार्डवर्क करें, एंड दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली, वेरी वेरी गुड, द फाइन। जी, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ एंड आई फील दैट के ही वर्क वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वेरी सो नाइस, मे गॉड ब्लेस हिम। ओके गोविंदा जी, आपने एज अ कॉम्पिटिटर की बात की है, कॉम्पीट कर रहे हैं यंगस्टर, उनकी बात की है, तो एज अ डांसर अभी तक कोई ऐसा इंडस्ट्री में नहीं आया जो आपके डांस को कम्पीट कर सके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जो जो लोग डांस में बहुत जिनकी उस विषय में रुचि है, मेरा ये सोचना है कि वो डांस डांस की तरह नहीं करें, बिना बोले बात करें, और ऐसा लगे कि जो वार्तालाप है वो बिना बोले हो गया, और ऐसा लगे कि वो रिदम में है और वो एकदम म्यूज़िक के साथ आगे निकलता ही जा रहा है, वो है तो क्रिया, परंतु ऐसा लगे जैसे सहज है, नेचुरल है, वो वर्क कर जाता है। इंडस्ट्री में बाकी लोगों से किस तरह से आप अपने किसको अपना क्रेडिट या देना चाहेंगे, या किसके साथ अपना इतनी जर्नी को शेयर करना चाहेंगे? बहुत हैं, मैं शुरू में आदरणीय प्रहलाद जी, उन्हीं की फिल्म से मैं टॉप पे आया, आदरणीय प्राणलाल मेहता जी, आदरणीय आनंद मामा, और यहाँ से शुरुआत हुई, और उनकी फिल्म मिलने से पहले बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, आदरणीय रिकू जी और आदरणीय रवि चोपड़ा जी, आदरणीय सरोज जी, आदरणीय राम मास्टर जी, और आदरणीय रोशन तनेजा जी, इन सभी की बहुत कृपा रही मुझ पे, मुझसे पैसे कभी लिए नहीं, मुझे जिस वक्त सिखाया जा रहा था, एवरीवेयर थर्ड डे मैं टीचर था, और पैसे नहीं लिए गए मुझसे, और बहुत ही ऐसा लगा जैसे कि ऊपर वाले ने तय किया हुआ था कि यह आएगा, तो मैं फिल्म लाइन में जिस वक्त आया तो मेरे आदरणीय पिताजी ने मुझसे कहा कि गोविंद तुम फिल्म लाइन में आए हो ऐसा तुम्हें लग रहा है, परंतु पूरी फिल्म लाइन तुम्हें दी गई है, और इतनी सारी फिल्में 49 फिल्म्स जो है एट अ टाइम एज अ हीरो करें, इट्स वाज नॉट फिजिकली पॉसिबल, तो मैं तो पहले उन देवियों के उन की कृपाओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस वजह से मुझ में क्षमता आई कि मैं इतना हार्डवर्क कर पाया, खास तौर पे माँ की कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं इतना हार्डवर्क कर पाया, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त किया करती हैं। आदरणीय दिलीप साहब के साथ वर्क करते समय बहुत सी चीज़ें मैं समझ पाया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत से ऐसे अच्छे लोग जो साथ में जुड़े, और ऐसा लगा कि क्योंकि मैं मेरे सीनियर्स के साथ जुड़ गया तो बहुत अच्छा काम कर पाया। मुझे कीर्ति ने, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा, कीर्ति जी ने, कि गोविंद तुम इतने लकी हो कि तुम सीख रहे हो और साथ साथ में पैसे भी नहीं ले रहे क्लास के क्योंकि ये सीनियर्स हैं। आई एम सो थैंकफुल टू देम, माय ब्रदर कीर्ति, ही इज़ बीन वेरी स्वीट, शशि प्रभु जी इज़ बीन वेरी स्वीट,
He's my brother. Thanks a lot to all the people who stood by me. और ये क्योंकि ऐसे बहुत से इंटरव्यू आगे करेंगे तो अभी सभी नाम नहीं ले लेते पूरा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स.